बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर हम एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार मसाला फिश। चले आएँ, शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैंने रोहू फिश ली है, ये तकरीबन 1 किलो है। मैंने इसको अच्छी तरह धो के और इसको आधे घंटे के लिए बास्केट में रख दिया था ताकि इसका एक सीड पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे ये पड़ा रहा था। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और ये मसाला जात हैं नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, चाट मसाला, पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ सूखा धनिया, ये सब तकरीबन 1 चाय का चम्मच है और ये 1 खाने का चम्मच है। और लीमू का रस, तकरीबन 7 से 8 लीमुओं का मैंने रस निकाल लिया था। अब हम इन मसालों को बेसन में ऐड करेंगे। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम लीमू का रस फिश में ऐसे डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि तमाम पीसीस पर लीमू का रस अच्छी तरह लग जाए। लीमू अच्छी तरह तमाम पीसीस पर लग चुका है। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह हमने हर पीस को जो है वो मसाला लगाना है। जितना अच्छा मसाला लगेगा फिश उतनी ही अच्छी तैयार होगी। इसी तरह हम तमाम पीसेस को मसाले लगाते जाएंगे। व्यूअर्स, तमाम पीसेस को मैंने मसाला अच्छी तरह लगा दिया है। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह रच जाए। व्यूअर्स, फिश को मसाला लगे तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और इसको अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को तकरीबन गरम कर लिया है। अब हम इसमें फिश के पीसेस डालेंगे। और इसे हल्की आंच पर अच्छी तरह पका लेंगे। व्यूअर्स, फिश फ्राई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। व्यूअर्स, मज़ेदार मसाला फिश बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।